आप क्या जानना चाहते हैं ये अंडे की ग्रेवी इतनी मस्त कैसे बनी है? तो मैं एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरी वीडियो को पूरा देखिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज बनाने वाली हूँ अंडा ग्रेवी। तो मैं कैसे बनाती हूँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैं मसालों को रोस्ट कर लूंगी। तो मैं मसाले में क्या क्या ली हूँ चलो दिखाती हूँ। और सबसे पहले तावे को गरम मैंने कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इस पे डालूंगी जीरा, एक चम्मच मैंने जीरा ले लिया है। और फ्लेम को मैंने कम कर दिया है। मैंने यहाँ पे काली मिर्च और लवंग लिया है। और एक चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया के बीज लिए हैं। और मैं साथ ही साथ इसमें डालूंगी एक बड़ी इलायची और छोटी इलायची, साथ ही मैंने लवंग भी डाले हैं। और मैं यहाँ पे लहसुन भी डाल रही हूँ इसके साथ। लहसुन को भी हमें भून लेना है। और मैंने यहाँ पे दो चम्मच घिसा हुआ खोबरा यानी कि नारियल लिया है। और मैं साथ ही साथ इसमें एक प्याज भी ली हूँ, मैं इसे भी भून लूँगी। तो गैस को कर देती हूँ बंद। इसे भून के अब मैं पीस लूंगी मसालों को। इसे भूनने से क्या रहता है, मसाले जो ये खड़े मसाले हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। मसालों में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अदरक लिया है 2 इंच। तब मैं इसे सिलबट्टे पे पीस ले रही हूँ इस तरह से। सिलबट्टे के मसाले बहुत अच्छे रहते हैं, खाने में काफी टेस्टी स्वाद इसका बहुत बढ़िया आता है। तो मैं इसे बहुत अच्छी तरह से बारीक पीस लेती हूँ। मसाले रोस्ट करने की वजह से इसमें जो खुशबू है बहुत अच्छी आ रही है। मसाले हो गए हैं रेडी। मैं इसमें ऐसे इस तरह से उठा लेती हूँ। अब अंडे तलने जा रही हूँ मैं। तो मैं नाइफ से अंडों पे कट लगा ले रही हूँ ताकि ये फूटे ना, फटफटाए ना। तो सभी अंडों को ऐसे कट लगा लेना है। वेल फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। आधा छोटा चम्मच हल्दी मैंने डाल दिया है, तेल हो गया है गरम। तो अब मैं सभी अंडों को इसमें डाल दे रही हूँ। एक एक करके सभी को डाल दे रही हूँ और इसे तल दे रही हूँ मैं। इसे चलाते रहना है, नहीं तो इसमें बुलबुले चमड़ी की तरह आ जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ऐसे चलाते रहना है, सब साइड से पलट लेना है, सुनहरा कर लेना है हमें। वेल फ्रेंड्स, अंडे तल गए हैं तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। ओह, गिरने वाला था। इस तरह मैं सभी अंडों को निकाल ले रही हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है। अब मसाले की तैयारी करेंगे। वेल फ्रेंड्स, मैं इसमें 1 इंच दालचीनी डाल दे रही हूँ। इसी तेल में मैं तल रही हूँ। और मैं ये तेज पत्ता डाल दे रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें 2 मिर्ची डालूंगी। मेरे घर पे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं और मिर्ची डाल दिया है मैंने। और साथ ही साथ अब मैं 3 बड़े प्याज मैंने कट कर लिए थे तब ये मैं डालने वाली हूँ। तो इसे हमें सुनहरा कर लेना है प्याज को अच्छे से।
प्याज जब सुनहरे होते हैं तब उसका टेस्ट निखर के आता है, खाने में मजा आता है। वेल फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च और डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी और कोई भी गरम मसाला आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने भी जैसे लिया है गरम मसाला। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये पीसे हुए टमाटर, मैंने ये 3 टमाटर पीस लिए थे। इसे 30 सेकेंड के लिए पकाऊंगी मैं। इसके बाद में अब ये रोस्टेड मसाला जो पीसे थे अब हम इसमें डाल देंगे। इसे खूब बढ़िया से भून लेना है जब तक तेल ना निकले। तो देखिए फिर कैसे कलर आएगा, खाने में क्या लजीज लगेगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ, आप भी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए। अब ये नमक से ये जो मसाले हैं अच्छे से गलेंगे भुनेंगे, तो देखिए कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं इसमें उबले हुए आलू एकदम मैश करके डालूंगी ताकि ये दिखे ना, तो इससे ग्रेवी थोड़ी मोटी हो जाती है और पता भी नहीं चलता है कि इसमें आलू डाला हुआ है। तो आलू को एकदम बारीक डालना है ऐसे फोड़ के, इससे थोड़ा सब्जी का भी फ्लेवर आएगा और ग्रेवी हमारी है तो मोटी हो जाएगी। तो जब तक ये तेल ना रिलीज करे तब तक हमें इसे भूनना है। आलू को और मैं दबा लेती हूँ अच्छे से। मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दे रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। तो देखिए इसका कलर कैसा आ रहा है, लग रहा है ना मजेदार ग्रेवी। वेल फ्रेंड्स, ये देखिए तेल कैसे इसने रिलीज कर दिया है। तो अब हमें फाइनली पानी ऐड करना है। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डालिए, आपको कैसा ग्रेवी मोटी पतली चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 कप पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरी ग्रेवी है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर इसमें अंडे ऐड करूंगी, फिर उसके बाद 2 मिनट और पकाऊंगी। वेल फ्रेंड्स, ये 2 कच्चे अंडे मैंने बचा के रखे थे, अभी ग्रेवी उबलने लगी तो मैं इसमें देखिए ऐसे फोड़ के डालूंगी। ऐसे ही डाल देना है। ये घर में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे, तो ये मैं दूसरा भी फोड़ के डाल दे रही हूँ। ये जहाँ उबल रहा है ऐसे। अब अंडों को मैं ऐसे डिप कर दे रही हूँ, इन सभी अंडों को। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। कलर देखिए कितना प्यारा आया है। है ना? तो ये फिश करी रेडी हो गई है। देखिए कितनी मस्त लग रही है, खाने में भी इतनी डिलीशियस है। तो आप भी अपने घर पे ट्राई करिए मेरी तरह। वेल फ्रेंड्स, ये देखिए बन गया है अंडा ग्रेवी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप भी ऐसे ही ये ट्राई करिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इस पर थोड़ी सी धनिया डाल दे रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए यार।